चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन कह रहा है डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट टाइम टी इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू, ये दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकाल रहा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है इक्वेशन, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निकलती है, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन निकलता है। तो एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन टी प्लस ए टू टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा, जीरो प्लस ए वन इंटू वन प्लस ए टू इंटू टू टी, डिफरेंशिएशन सबको आना चाहिए। ये वेलोसिटी हो गई, एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी, तो क्या आ जाएगा, ये तो कॉन्स्टेंट है, जीरो प्लस ए टू इंटू टू इंटू वन, फाइनली ये आया क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू या तो आप डी वी बाई डी टी इसको लिख दो, या डी टू एक्स बाई डी टी लिख दो, बाद डी टी स्क्वायर लिख दो, आया कितना टू ए टू। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, टू ए टू, कौन सा ऑप्शन सही है, ए टू, टू ए टू करेक्ट है। चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेवल वन का टेस्ट पेपर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पेपर अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो